हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और इस क्रूशियल टाइम में अपनी स्टडी को बखूबी निभा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसका नाम है इनकम टैक्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी बच्चे घबराते हैं और मैं आशा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स से प्यार हो जाएगा। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स भारत में कैसे आया और वो कौन व्यक्ति थे जो इंडिया में जो है इनकम टैक्स को लेकर के आए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इनकम टैक्स सबसे पहले 1860 में आया था और 1860 में इनकम टैक्स को लाने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट में सबसे पहले फिनेंस मिनिस्टर रहे और उन्होंने ही हमारे देश का पहला बजट पेश किया था। जेम्स विल्सन ने 1860 में जो इनकम टैक्स एक्ट लाया, उस इनकम टैक्स एक्ट के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी 1857 की क्रांति। जो 1857 में क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज सरकार को काफ़ी पैसे की हानि हुई और उस हानि से निपटने के लिए जेम्स विल्सन ने एक उपाय निकाला। वो उपाय था कि जो भरपाई होगी वो भारतीयों से ही की जाएगी और इसका उन्होंने भारतीय जो लोग थे, जो अच्छे स्कॉलर्स थे, उनको इसका जो कारण बतलाया वह बतलाया कि हमें सरकार चलाने के लिए जो रिवेन्यू चाहिए वो हम टैक्स के रूप में वसूलेंगे। ये इनकम टैक्स भारत के लिए एक सजा के रूप में ही था और इस इनकम टैक्स एक्ट में चार हेड इनकम के रखे गए थे। सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट जो 1860 में आया उसमें जो चार हेड थे वो ये थे, इनकम फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड ट्रेड, इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज एनुटीज एंड डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। सबसे बुरी बात जो अंग्रेज सरकार की थी, इस इनकम टैक्स एक्ट में जो भारतीय एक कृषि प्रधान देश में गिने जाते हैं और कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत की कृषि को भी इस एक्ट में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिली, जिस कारण से ये पूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि भारत वासियों के लिए एक सजा के तौर पर ही रखा गया था या लाया गया था। धीरे धीरे इसमें कुछ अमेंडमेंट होते गए और अमेंडमेंट का जो रिजल्ट निकला वो 13 नवंबर 1915 को आया, जब महावीर त्यागी चेयरमैनशिप की कमेटी में एक नया इनकम टैक्स एक्ट बना जो कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट माना जाता है और वो 1 अप्रैल 1962 से हमारे देश में लागू है और आज तक हम उसी इनकम टैक्स एक्ट पर अमेंडमेंट करते करते काम करते आ रहे हैं। ये थी आज इनकम टैक्स से रिलेटेड हिस्ट्री की बात। अभी हम बात करें इनकम टैक्स के नेचर की, तो इनकम टैक्स जो है एक डायरेक्ट टैक्स है। अब मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि एक ऐसा टैक्स जो जिस व्यक्ति से संबंधित है यानी जिससे रिलेटेड है उस व्यक्ति से ही वसूल किया जाए। अर्थात जैसे मैं सैलरी पाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, तो जो मेरी इनकम हो रही है तो मुझे ही टैक्स देना होगा इस पर। मेरी सैलरी का जो इनकम का जो टैक्स है वो कोई और ना दे। यानी कि एक डायरेक्ट टैक्स को आप उस तरह से देख सकते हैं जिस तरह से आप ये कह सकें कि जिस व्यक्ति पर लगा है उसी से वसूल किया जाता है। ठीक है, और इनकम टैक्स के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के बाद हमें मुझे और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, बट अगर ये कंटेंट आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड किया जाना चाहिए या फिर आप मुझे कुछ और सलाह देना चाहते हैं, वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दर्ज कीजिएगा। आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बताए हुए सभी
एडवाइजेस पर मैं काम करूंगा और साथ ही साथ आपको इसी तरह से वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। मेरे हैंडमेड नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं मेल आईडी जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।